तो ये मैंने पोहा पैक करा लिया है, बहुत ज़रूरी है नाश्ता, तो नाश्ता करके फिर बैठेंगे पढ़ने, तो इसको लेके चलते हैं लाइब्रेरी। और इसके साथ साथ मैं चाय भी ले लेता हूँ, और अभी थोड़ी सी बारिश रुक गई है तो काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज़ निकल भी नहीं पा रहे थे, तो यहाँ से चाय लेते हैं फिर निकलते हैं। और अभी मौसम देख सकते हो, मौसम अच्छा है लेकिन भैया बारिश टिप टिप होती रहती है, तो चाय नहीं है एक्चुअली, मैं आज कॉफ़ी ले लिया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी नींद आती है, तो इसको लेकर चलते हैं लाइब्रेरी। डोंट माइंड एवरीवन, मुझे लगी थी बहुत भूख और मैं नाश्ता ले आया था अपना, तो सबसे पहले मैं अपना नाश्ता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अपना नाश्ता फिनिश करता हूँ फटाफट, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई करता हूँ। दिस इज़ द माई फर्स्ट स्लॉट गोइंग टू बी, और इसमें मैं पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी। कुछ दिन पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें मैं अभी तक इसको कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। विथ मैप मैं इसको पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि कोई लोकेशन, कोई रिवर, कोई माउंटेन, समथिंग कुछ होता है तो पॉइंट लोकेट कर लेता हूँ मैप में, जिससे मुझे एक लॉन्ग टाइम तक याद रहे वो चीज़ें। तो रिवीजन कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इसको पढ़ चुका हूँ, बट आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, और वही मैं भी इस टाइम कर रहा हूँ। आपको 2-3-4-5 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको जाके कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ जाएगा, और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व तो वो भी करो, और साथ साथ में आप रिवाइज करो उसको अच्छे से। बिना मैप के भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि जब भी आप ज्योग्राफी करते हो तो अपने आसपास मैप को रखो, और आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है तो आप मैप में उसको देख लो, लोकेट जरूर कर लो। तो दिस इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और आपसे अगेन ये चीज़ बोल रहा हूँ। आज तो मौसम ही एक नंबर हो रहा है, देखो मैं बाहर से उड़ान 2.0 मॉडर्न हिस्ट्री का लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रीलिम बेसिस पे नोट्स चाहिए, तो मैं इसमें क्या करूँगा, ऑलरेडी इसमें नोट्स रहता है बट उसमें मैं कुछ ऐड ऑन कर लूँगा, तो मैं इसको अभी लेकर आया हूँ बाहर से। और इसके साथ साथ मैं एक स्टिकी नोट्स भी लाया हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें अगर बुक में नहीं दी हुई है तो जो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी, तो मैं उसको नोट डाउन करके और उसमें साथ साथ चिपका दूंगा कि जब मैं रिवाइज करूँ तो मुझे ओवरऑल रिकॉल हो जो बुक में भी था और जो इसमें भी दिया हुआ है, दोनों चीज़ों को। तो मैं साथ साथ में स्पेक्ट्रम एंड साथ साथ में जो भी मैं नोट्स खरीद के लाया हूँ दोनों को मिला के पढ़ता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें इस नोट्स में नहीं हुई है, जो स्पेक्ट्रम में है उसको देखो मैंने स्टिकी नोट्स पे लिख कर मैंने वहाँ पे चिपका दिया है कि कुछ भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। और ऐसे मुझे लॉन्ग नोट्स बनाने पड़ते हैं, पूरा नोट डाउन करना पड़ता, क्योंकि लास्ट में आपको चाहिए नोट्स चाहिए रिवाइज करने के लिए। तो मैं पहले बुक से पढ़ रहा हूँ, फिर मैं बुक में देख लेता हूँ जो लेकर आया हूँ उसमें कुछ नोट डाउन है कि नहीं। अभी जा रहा हूँ लंच करने, और अभी बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है तो फटाफट चलते हैं लंच करके आते हैं, अदरवाइज बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो फिर जा भी नहीं पाएंगे। तो अभी का कंडीशन देख सकते हो, थोड़ी सी बारिश रुकी और लोगों का चहल पहल स्टार्ट, बारिश में भी लोग निकलते हैं बट जैसे ही बारिश रुकी आना जाना स्टार्ट। सो आज का है मेरा लंच, रोटी चावल दाल सब्जी, रोज वही चीज़ें आप लोग को दिखाता हूँ, आज भी वही है सेम है। तो लंच करते हैं फटाफट फिर निकलते हैं लाइब्रेरी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। चलते हैं इसी बारिश में। सो बैक टू द लाइब्रेरी। बारिश जोर से हो रही थी और थोड़ा सा मैं भीग भी गया था,
लेकिन ठीक है, वापस आ चुका हूँ और जो भी मेरा ज्योग्राफी में जो भी थोड़ा कुछ बचा हुआ था उसको कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मुझे ऑलमोस्ट तो नहीं लेकिन मैक्सिमम चैप्टर आज ख़त्म करने हैं इसके, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मुझे कुछ और उठाना है, कुछ और पढ़ूंगा, तो इसको आज कोशिश करता हूँ लिमिट तक कंप्लीट कर दूँ। अभी हो गई है रात और मैं निकल गया हूँ थोड़ा सा बाहर चाय पीने के लिए। अभी भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है बट ज़्यादा टाइम बैठना नहीं सही लगता है बिकॉज आपका कमर पेन होने लगता है यार, तो थोड़ा बहुत रेस्ट दिया करो, बाहर निकला करो। और अभी मैं ले लेता हूँ चाय अपने लिए, और मौसम भी अच्छा है लेकिन बारिश है यार, या तो अच्छे से हो जाए या फिर एकदम बंद हो जाए, लेकिन ऐसे टिप टिप होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरी चाय, और इस चाय को पी के चलता हूँ वापस लाइब्रेरी। सो इन टुडे सेशन आई जस्ट कंप्लीटेड ज्योग्राफी एंड सम पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, एंड मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ कि मैंने हिस्ट्री की नोट्स को कैसे चिपकाया है, कुछ जो मुझे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी और जो मैं लेकर आया था उसमें नहीं था, तो मैंने उसमें लगा दिया था कि बाद में जब मैं रिवाइज करूँ तो ओवरऑल मेरी जो भी कंपाइलेशन है बुक में वो कंप्लीट रहे, कुछ छूटे नहीं। तो ये मैं लेके आया था उड़ान, तो जैसे देखो मैंने क्या किया है कि ऑलरेडी इसमें नोट्स बने हुए हैं, और जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप उसको ओपन कर लो, क्योंकि आपको लॉन्ग ऐसे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ प्रीलिम बेसिस पे है, थोड़ा सा आप देख सकते हो जो आप बुक में पढ़ते हो कुछ चीज़ें उसमें हैं जो बुक में नहीं दी हुई है, तो आप ऐसे स्टिकी नोट्स पे लिख के चिपका सकते हो कि बाद में आप जब पढ़ो तो वो चीज़ें पूरा आप पढ़ो, कुछ भी आपका मिसिंग ना हो। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे जो इसमें नहीं दी हुई थी जो बुक में इंस्पेक्टर में, मैंने उसको नोट डाउन किया है। सो दिस इज़ द माई गोइंग टू बी अ लास्ट सेशन जिसमें मैं न्यूज़पेपर कवर करने वाला हूँ। अभी तक मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, तो मैं न्यूज़पेपर कवर करता हूँ, उसके बाद आज का मेरा डे कम्प्लीट हो जाएगा। तो यह आज का न्यूज़पेपर जिसमें कुछ चीज़ें अगर इम्पॉर्टेंट लगी तो मैं पढ़ूंगा, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होगी तो उसको छोड़ दूंगा, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपको पूरा रटना नहीं है, जो आपका लगता है कि इम्पॉर्टेंट है आप उसी चीज़ को कवर करो, उसी चीज़ को बस पढ़ो। आप ऐसे एक एक आर्टिकल, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट वाइज चलते जाओगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपका सिलेबस आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपका इकोनॉमिक्स या फिर सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज़ें, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें ये रहता है कि अगर आपसे आपका कुछ भी रिलेटेड रहता है सिलेबस से तो आप उस चीज़ को पॉइंट आउट करो और उसको कवर कर लो, ना कि आपको होल पेपर थ्रू गो थ्रू करना है। सो इट वॉज माई सजेशन, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। सो आज का टारगेट हुआ मेरा कंप्लीट। आज मैंने ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड न्यूज़पेपर तीन चीज़ें कवर की। दिस इज़ माय हिस्ट्री की नोट्स, आप लेके आ सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको जहाँ पढ़ते हो या कोई आपको बुक्स में नोट्स में लगाना है आप लगा लो। सो मेरा आज का डे होता है ख़त्म यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, जो आप लोग करते नहीं हो, बहुत कम ही लोग करते हो। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोशिश करते हैं जल्द एक नए वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू अगेन।